हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर नंबर 2 है ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वॉल्यूम 3 से। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं इस बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसके अंदर, थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं बट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो पूरा एंड तक देखना, छोटी सी वीडियो है और सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आपको। मैंने ऐसे हर एक चैप्टर की वीडियो बना रखी है, इवन मैंने एक 60 मार्क्स का आपको वीडियो बना के दिया हुआ जिसमें 60 क्वेश्चंस हैं और 60 नंबर का है। तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं कि आप आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आ सकते हैं। उसके अंदर सारे के सारे एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और जितने भी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है सब हैं जो पेपर में आ सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस का है वो, वॉल्यूम 1, 2, 3 से मिलाकर 45 मिनट्स की वीडियो है और 60 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैंने सॉल्व करवाया है, प्लीज जाकर वो वीडियो जरूर देखना इसके बाद, और बताना कमेंट सेक्शन में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपको कितना हेल्पफुल लगता है मेरा वीडियो, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट, आपका बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट। तो ये जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये इनको हम लोग एनालाइज करते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी क्या है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्या है, कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, या कंपनी का इंट्रा फर्म कंपैरिजन या इंट्रा फर्म पोजीशन एंड कंपेयर इंटर फर्म पोजीशन। क्लास इंट्रा मतलब क्या होता है, आप अपनी ही कंपनी के इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहे हो, जबकि इंटर फर्म में क्या होता है आप अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहे हो। तो ये सारे ही ऑब्जेक्टिव किसके होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। एनालिसिस का मतलब होता है स्टडी करना किसी चीज़ के बारे में। अगर मैं किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहूँगा तो मैं उसके बारे में स्टडी करूँगा, पहले कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की सॉल्वेंसी, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ चेक करने के बाद ही मैं कंपनी में पैसा लगाऊंगा। तो इसीलिए क्लास इसको एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। सेकेंड पॉइंट, फाइनेंशियल एनालिसिस कैन बी यूज फॉर, फाइनेंशियल एनालिसिस क्यों किया जाता है, ताकि सिक्योरिटी पर्पज से, डिविडेंड डिसीजन से और क्रेडिट एनालिसिस से। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। द पर्पज ऑफ, थर्ड क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर इज, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्यों की जाती है, ये जानने के लिए कि उन क्रेडिटर्स के पेमेंट टाइम पे जब ड्यू होगा तो वो पे होगा कि नहीं होगा। क्रेडिटर ये जानना चाहते हैं कि कंपनी हमें हमारा पैसा उधार देगी कि नहीं देगी। अगर मैं किसी को उधार बेचूंगा तो वो मुझे उधार अगर सॉरी मैं अगर उधार खरीदता हूँ किसी से तो मैं मेरे को डर रहेगा ना भाई, उसको भी डर रहेगा कि पेमेंट देगा कि नहीं देगा। तो अगर आप कल को किसी को उधार देते हो तो आप प्लीज़ उसके बारे में स्टडी कर लेना कि वो पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। इसीलिए क्लास इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि ये डिटरमाइन करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जरूरी है कि क्रेडिटर्स को उनका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 4 है, विच एनालिसिस इज कंसिडर एज डायनामिक। देखो ये क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, डायनामिक एनालिसिस और स्टैटिक एनालिसिस। ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल जो होता है वो डायनामिक है और स्टैटिक जो है वो है वर्टिकल। आप जो बैलेंस शीट बनाते हो वर्टिकल फॉर्मेट में इस तरीके से बनाते हो, यानी कि यहाँ पे लायबिलिटी नीचे एसेट, और हॉरिजॉन्टल में इधर लायबिलिटी इधर एसेट, जो पार्टनरशिप फॉर्म का बनाते हो। तो जो हॉरिजॉन्टल है वो डायनामिक है, आप उसको इंटरचेंज करके लिखते हो, कभी फिक्स एसेट ऊपर कभी फिक्स एसेट नीचे, और जबकि यहाँ पे क्या होता है एक ही पैटर्न होता है आप उसी में लिखते हो। तो जो वर्टिकल है वो स्टैटिक है और जो हॉरिजॉन्टल है वो डायनामिक है। तो 5 हो गया, 6 हो गया, इसका हो गया हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल। 6 क्वेश्चन, फाइनेंशियल एनालिसिस इज सिग्निफिकेंट किसके लिए जरूरी है, इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल है, बैंकर और लेंडर्स के लिए बिल्कुल है। तो ये दोनों एक्सटर्नल हो गए और ये इंटरनल, यानी कि सबके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना जरूरी है, ठीक है। तो ये थे क्लास इसके क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सारा का सारा समझ आया होगा, ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं थे इसके अंदर, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाके और देखेंगे अगले चैप्टर्स की वीडियो, ठीक है। तो आउट ऑफ 6 आपके कितने स्कोर आए जरूर मुझे बताना, इसके बहुत कम चांस होते हैं पेपर में पूछे जाने के, लेकिन एक नंबर तक का इससे आ सकता है पेपर, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, और मेरे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।